जैसा कि आपको पता है, त्योहारों का सीजन चल रहा है और मेहमान घर में आते ही रहते हैं। तो आज हम इस एक डोसे तीन तरह का स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो ये रहा पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो ये घंटी है ना, उसे प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, देखते हैं कैसे बनाना है इस कुरकुरी मज़ेदार और स्वादिष्ट स्नैक्स को। सच बताऊं, एक बार इसे बना लिया ना तो बाजार से लाना भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन, मैदा लिया है 4 चम्मच और चावल का आटा लिया है 16 चम्मच। तो सबसे पहले चावल का आटा, साथ ही साथ मैदा और 2 चम्मच बेसन। और बेसन डालने के बाद बारी आती है कुछ मसाले डालने की। तो सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी बहुत बढ़िया कलर के लिए, और स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही साथ बहुत थोड़ी सी हींग। और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद डालना है बटर। तो बटर लगभग 40 से 50 ग्राम, और बस बहुत अच्छे से इसको रब करते हुए मिक्स करना है ताकि बहुत अच्छे से बटर समा जाए मैदे और चावल के अंदर, बेसन के अंदर। तो बहुत अच्छे से जब लड्डू बन जाए तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए गूंद लेना है बहुत अच्छे से। और नमक आपको थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि बटर में भी नमक होता है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। और बहुत सॉफ्ट सा, जैसे रोटी का आटा लगाते हैं वैसे इसको लगा लेना है, एकदम सॉफ्ट सा। तो अपना आटा तो लग चुका है, तो इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। तो ढक देते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो 5 मिनट के बाद गैस को किया ऑन और कढ़ाई रख दिया, और इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल और धीमी आंच पर गर्म होने देते हैं। तब तक हम गाठिया वाला मशीन निकाल लेते हैं, और इस गाठिया मशीन का 3 अटैचमेंट मैंने लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो पहला जो मैंने लिया है वो है चकली वाला, तो हम इसे चकली बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो बस सबसे पहले आटा को मिक्स किया इस तरह से और 3 भाग इसका कर लेते हैं, और उसके बाद इसको सिलेंडर का आकार देकर हम डालेंगे मशीन के अंदर, और मशीन को अच्छे से बंद कर लेना है इस तरह से। और तेल भी अपना गर्म है, तो गर्मा गर्म तेल में चलिए इसको हम मीडियम आंच पर फ्राई करते हैं। तो बस गोल गोल इस तरह से जलेबी जैसा बना लेना है। तो मेरे से कुछ खास जलेबी नहीं बन पा रही है, आप कोशिश कीजिएगा कुछ अच्छा बनाने का। तो बस इस तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसमें बटर का जो फ्लेवर आता है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो मीडियम आंच पर इसे बढ़िया सा गोल्डन कलर देकर निकाल लेना है कुछ इस तरह से, और बस तेल सारा निकल जाए इसके लिए इस तरह का छन्ना इस्तेमाल कीजिए। और बस सारे इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे चकली को, और बहुत बढ़िया कलर देकर इसे भी हम निकाल लेंगे। तो झटपट से तैयार होने वाला ये 3 तरह का स्नैक्स ज़रूर अपने किचन में बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मौका मिले इस रेसिपी को अपने किचन में बनाने का और बनाकर इसका स्वाद लेने का। तो सोचिएगा मत, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो एक लाइक दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छा कलर आ चुका है, और बस इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के भी स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं दूसरा अटैचमेंट। तो इससे एकदम रिबन की तरह बनेगा। तो बस मिक्सचर को डाला और अच्छे से किया बंद, और गर्मा गर्म तेल में इसे भी हम फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो है ना बिल्कुल रिबन की तरह, बस जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम इसको डालेंगे, और फिर मीडियम आंच पर इसे भी बढ़िया सा कलर देकर निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार होता है, एक बार अगर आपने किचन में बना लिया ना तो सच कह रही हूँ, बाजार से नमकीन और बिस्किट्स लाना भूल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया कलर आ चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं, और इसी तरह से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा स्नैक्स बनकर तैयार है। तो चलिए बाकी बचे भी हम फ्राई कर लेते हैं।
तो बस कुछ इस तरह से डालना है और मीडियम आंच पर इसको फ्राई कर लेना है। तो जब तक फ्राई होता है, चलिए आपसे करते हैं एक सवाल। जवाब देने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो सवाल है, ऐसी दो रेसिपी का नाम जो चावल के आटे से बनता हो। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जवाब छोड़िए, जवाब जरूर दीजिएगा। तो बस बहुत बढ़िया कलर आ चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो हमारा दूसरा स्नैक्स भी बनकर तैयार है, इसी तरह से हम तीसरा भी बना लेते हैं। तो चलिए लेते हैं तीसरा अटैचमेंट जो है गाठिया वाला शेप। तो बस इसको भी हम फिक्स करेंगे इस तरह से और फिर बंद कर देंगे और मिक्सचर जो है इसके अंदर भरेंगे और अच्छे से बंद करके गर्मा गर्म तेल में वापस इस तरह से छोड़ देना है और मीडियम आंच पर इसे भी गोल्डन होने तक सेक लेना है। और सच्ची बताऊँ तो एक ही डो से तीन तरह के नमकीन बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इसे 10 से 15 दिन बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी मेहमान आए आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और तारीफें तो आप भर भर के पाने वाले हैं। तो लीजिए, बहुत बढ़िया कलर इसमें भी आ चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और बस इस तरह के छन्ने में निकालना है ताकि सारे तेल बाहर आ जाए। तो अपना तीन तरह का नमकीन बनकर तैयार हो चुका है और बस इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। देखिए काफ़ी क्रिस्पी बना है और इसी तरह से इसे भी सुनिए आप, तो बहुत ही क्रिस्पी और साथ में इसे भी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स अपना बनकर रेडी है, वो भी एक। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी लिखकर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।